गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पहुंच चुके गाइस इस्कॉन टेंपल पे। गाइस आगे देख लीजिए मंदिर, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज है संडे और आज डेट है 9 अप्रैल। तो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो आज हमारा छुट्टी है संडे का गाइस। तो आज हमारे घर पे मेरा बहुत ही पुराना दोस्त आने वाला है, तो उनसे मिलवाता हूँ मैं। तो अभी बज रहा है 9:30 बज रहा है, तो अभी आ जाइए 10-15 मिनट में, उनसे मिलवाता हूँ गाइस। तो आज हम बना रहे हैं स्पेशल दही पोहा, क्योंकि आज संडे है तो हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और दोपहर का देख लेंगे खाने का। तो तब तक अभी बनाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो गाइस पोहा बनाने के लिए सब मटेरियल जो है रेडी हो चुका है, देख लीजिएगा। ये देख लीजिएगा मिर्ची, प्याज, शेंगदाना और जो भी दही वगैरह लाया था सब कुछ रेडी हो चुका है। अभी बनाते हैं पोहा और करते हैं ब्रेकफास्ट गाइस। तो हमारे दोस्त आए हैं सुशील माने गाइस। तो अभी पोहा हमारा रेडी हो चुका है, ये देख लीजिएगा, इसमें दही है और ये पोहा, देख लीजिएगा कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी हम उसको टेस्ट करने वाले हैं गाइस। तो मैं अभी ये पोहा टेस्ट करने वाला हूँ। ये रहा हमारा दही, तो इसमें मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट हुआ है गाइस, सुबह सुबह पोहा खा के बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस हमारा ये चाय भी आ चुका है, तो चाय भी पीते हैं और निकलते हैं गाइस। तो अभी बज रहे 5 बज रहे हैं, अभी पुणे में बहुत बारिश हो रहा है, देख लीजिएगा कितना बारिश हो रहा है, बहुत ही गरज के बारिश हो रहा है गाइस। देख लीजिए बारिश, बहुत ही पानी हो चुका है यहाँ पर। बारिश की कुछ टाइमिंग नहीं है अभी फिलहाल, कभी बारिश आ रहा है ये देख लीजिएगा गाइस। तो आज हम जाने वाले हैं इस्कॉन टेंपल, बहुत ही फेमस टेंपल है श्री राधा कृष्ण जी का, वहाँ पे बहुत सारे लोग भी आते हैं गाइस। ये टेंपल जो है गाइस नियर कातरज में, कातरज के पास में है कोंडवा बुद्रुक में। तो वहाँ पे जाके बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मन प्रसन्न होता है वहाँ पे जाके। तो हम जाने वाले हैं गाइस इस्कॉन टेंपल में, तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको इस्कॉन टेंपल गाइस। तो ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी 4K में भी शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं था 4K का भी ये सपोर्टेड है आईफोन मेरा। तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल। और एक खुशी की बात, मेरे सब्सक्राइबर जो है धीरे धीरे बढ़ रहे गाइस, ऐसा ही आपका सपोर्ट रहेगा तो ही अच्छा रहेगा गाइस। गाइस तो हम पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेंपल पे, देख लीजिएगा मंदिर आगे है। तो हम पहुंच चुके हैं गाइस इस्कॉन टेंपल पे। तो यहाँ से हम जा रहे थे वहाँ से 1-2 किलोमीटर ही है इस्कॉन टेंपल। तो यहाँ पे कुछ चल रहा है गाइस। गाइस आगे देख लीजिए मंदिर, यहाँ पे गायों को रखा है, देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल मंदिर है, लाइटिंग वगैरह देख लीजिएगा। और यहाँ पे गार्डन भी है गाइस। फाइनली गाइस मैं अंदर आ चुका हूँ इस्कॉन टेंपल के अंदर गाइस। तो यहाँ पे देखो कितना डिजाइन अच्छा बनाए हैं। तो अभी यहाँ पे वाटरफॉल चालू नहीं है, बंद है फिलहाल। और ये रहा ऊपर मंदिर गाइस। तो देख लीजिए मंदिर का व्यू, बहुत ही फेमस टेंपल है। अभी आज भीड़ थोड़ा कम है, तो बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। यहाँ पे देख लीजिए गाइस,
कमल के फूल के ये बनाए हैं। आज तो हम जा रहे हैं अभी दर्शन करने के लिए राधा कृष्ण जी का। गाइस देख लीजिए गाइस, तो ये देखो गाइस, तो मेरा दर्शन वगैरह हो चुका है, तो अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से। ये बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल मंदिर है ये। तो गाइज हम बाहर निकल चुके हैं, तो यहाँ पे प्रसाद मिलता है तो वो खा लेते हैं अभी। गाइज तो हमने प्रसाद लिया है तो अभी हम इसको खाएंगे। ये प्रसाद यहाँ पे डेली मिलता है गाइज, भगवान श्री कृष्ण जी का। और यहाँ पे प्रसाद मिलता है गाइज, ये देख लो आगे यहाँ पे लाइन लगती है। किधर है? हाँ 100। यहाँ पे गाइज हमने गाड़ी पार्क किया है तो वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह है, वेज रेस्टोरेंट्स है गाइज। तो मैं आ चुका हूँ अभी घर पे। दिस इज़ किशोर नेट गाइज। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।